दोस्तों, मेरी YouTube चैनल सुल्तान सिंह पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हाउ टू गेट जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन। जी हाँ, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने घर पर किस तरह से अपना जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन बना सकते हैं। ये जो मैंने अभी अनबॉक्स किया है, ये मंत्रा MFS 100 ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर है। इसको आप सीधे PC या लैपटॉप में USB के साथ जोड़ सकते हैं, और मोबाइल कनेक्ट करने के लिए इसके साथ छोटी मिनी USB केबल आई है। ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र बनाने के लिए हमें एक मान्यता प्राप्त बायोमेट्रिक डिवाइस की ज़रूरत है, तो हम ये मंत्रा MFS 100 काम में ले रहे हैं। इसके साथ ये इसका लिटरेचर है और एक मखमल का कपड़ा है जिससे इसके लेंस को साफ कर सकते हैं। हमने ये मंत्रा MFS 100 बायोमेट्रिक डिवाइस 1900 रुपये में ऑनलाइन मंगवाई है। इसके साथ ये जो माइक्रो USB केबल कनेक्टर है, इसको जोड़कर एंड्रॉयड मोबाइल से कनेक्ट किया जा सकता है। तो अनबॉक्सिंग ऑफ मंत्रा MFS 100 बायोमेट्रिक डिवाइस के बाद मोबाइल स्क्रीन पर आते हैं और गूगल में सर्च करते हैं jeevanpraman.gov.in। देखिए, जीवन प्रमाण या लाइफ सर्टिफिकेट फॉर पेंशनर्स के लिए इंडिया गवर्नमेंट की साइट खुल गई है। दोस्तों, जीवन प्रमाण पत्र आज तो सिर्फ पेंशनर्स के लिए काम की चीज़ है, लेकिन आने वाले समय में यह अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज होने वाला है, और दुनिया के किसी भी कोने में हम रहते हुए ऑनलाइन आसानी से इसे किस तरह बना सकते हैं, यह हमें जानना अत्यंत आवश्यक है। गेट ए सर्टिफिकेट। हम यहाँ आते हैं, यहाँ PC के लिए, मोबाइल के लिए और ऑफिसेज वगैरह के लिए 3 तरह के डाउनलोड्स दिए हैं, तो हम मोबाइल के डाउनलोड्स पे क्लिक करते हैं, एंड्रॉयड 4.0 एंड अबो, इसको हमने क्लिक किया है। ये डाउनलोड एप्लीकेशन, इसके लिए हमें ईमेल एड्रेस देना होगा और कैप्चा एंटर करना होगा, तो हम ईमेल एड्रेस दे देते हैं और अब कैप्चा इसमें लिख देते हैं, कैप्चा एंटर करने के बाद में आई एग्री के बटन पर क्लिक करते हैं। अभी OTP आया है, मेल बॉक्स खोलते हैं। ये देखिए 491446, वो हम एंटर कर देते हैं। OTP एंटर करने के बाद में सबमिट कर देते हैं। जीवन प्रमाण एप्लीकेशन हमें जीवन प्रमाण का लेटेस्ट वर्जन जीवन प्रमाण 3.6 इंस्टॉलर डाउनलोड करना है। वेबसाइट नोटिफिकेशन आया है, डाउनलोड लिंक हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल ID। ओके कर देते हैं और हमारे मेल बॉक्स में इस मेल को देखते हैं। ये देखिए, डाउनलोड लिंक मेल आ गई है। लिंक को क्लिक करते हैं, डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। लाइफ सर्टिफिकेट 3.6 APK डाउनलोड हो गया है। ओपन करके इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल हो रहा है, ओपन करते हैं। नो RD सर्विस फाउंड, ओके। बायोमेट्रिक डिवाइस के लिए RD सर्विस इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर ओपन करते हैं। मंत्रा RD सर्विस MFS 100, क्योंकि हमारी डिवाइस मंत्रा MFS 100 है, तो इसको हम इंस्टॉल करते हैं। मंत्रा RD सर्विस इंस्टॉल हो रहा है, ओपन करते हैं, अलाउ करते हैं, अलाउ करते हैं। डिवाइसेज लोकेशन अलाउ ओनली वाइल यूजिंग द ऐप, अलाउ करते हैं।
और ये इंस्टॉल हो गया है। इसको क्लोज कर देते हैं। अब हम अपने मंत्रा MFS 100 फिंगरप्रिंट सेंसर को मोबाइल से कनेक्ट करते हैं। हमारे सैमसंग मोबाइल में माइक्रो USB नहीं लगेगा, क्योंकि फास्ट चार्जिंग के लिए इसमें USB Type-C कनेक्टर लगता है। तो इस केबल को हमने जोड़ दिया है और इसके USB में इसको कनेक्ट कर देते हैं। अब हमारी डिवाइस मोबाइल से कनेक्ट हो गई है। अब न्यूली इंस्टॉल्ड ऐप जीवन प्रमाण से जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए हम अपने सेटअप को टेबल पर शिफ्ट कर लेते हैं, जीवन प्रमाण ऐप को ओपन कर लेते हैं और आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस सबमिट कर OTP प्राप्त करते हैं। हमें जो OTP प्राप्त हुआ है वो हम एंटर कर देते हैं। और सबमिट कर देते हैं। पेंशनर ऑथेंटिकेशन पेज खुल गया है। इसमें आवश्यक जानकारियां देकर हम इसको एग्री कर लेते हैं। ये देखिए, इस चेकबॉक्स को क्लिक करेंगे और नीचे स्कैन को क्लिक करेंगे, फिंगर स्कैन प्रोसीड यस करेंगे और किसी भी फिंगर या थंब को स्कैन करेंगे और ये शुभ समाचार, थैंक यू फॉर सबमिटिंग डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। और इस तरह से मैंने अपना स्वयं का डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अपने घर पर ही ऑनलाइन जनरेट कर लिया है। इस संदेश में रेड कलर से प्रमाण ID को हाइड किया हुआ है। ओके करते हैं और लाइफ सर्टिफिकेट को डाउनलोड या व्यू करने के लिए व्यू लाइफ सर्टिफिकेट पर क्लिक करते हैं। प्रमाण ID फिल करके OTP प्राप्त करते हैं और OTP लगाकर सबमिट करने पर सक्सेस। सेव एज PDF पर क्लिक करते हैं। ये मेरा DLC या जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन जनरेट हो गया है। दोस्तों, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने साथियों में फॉरवर्ड करें। सुल्तान सिंह चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।